हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वैकेंसी जो आपके लिए लेके आया हूँ इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया अगर जान लेते हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, मैकेनिकल या फिर ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BTech कर रखा है आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं जिनको नहीं पता हो कि यहां क्राइटेरिया जो है बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास इजीली नहीं आती है। मैं आपको एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, 2500 वैकेंसी अभी बहुत अच्छी निकलने जा रही है जो कि मैं कल अब एक वीडियो डालूंगा। इसीलिए आप जो है अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर आप चेक कर लें क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारी अपॉर्चुनिटी आपको सबसे पहले और सबसे न्यू देखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं जितनी भी अपडेट आपके सामने लाता हूँ यहाँ से अर्जेंट हायरिंग की या कोई सी भी हायरिंग की वो सारी सबसे पहले आपको पता लग जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है कि आप जो है अपना ब्रांच नेम और अपना पास आउट ईयर जरूर मेंशन करके जाया कीजिए क्योंकि उसका बेनिफिट होता है। मेरे को उसका बेनिफिट क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स पे मैं A to Z रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे एक ही अनुरोध है जल्दी से जल्दी आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और अपना पास आउट ईयर मेंशन कर दें। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट जो है टाटा पावर का रिप्लाई आने लगा है और टाटा पावर जो है जल्दी से जल्दी अपनी हायरिंग खोलने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है उस पर नहीं चेकआउट किया है जल्दी से जल्दी जाके एक बार देख ले क्योंकि ऑल अपडेट आपको टाटा पावर हो या किसी की भी हो वो सारी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉन्स्टर के बारे में। मॉन्स्टर एक ऐसी ऐप है जहां से आपको अनलिमिटेड हायरिंग, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के बारे में पता लग जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी एक बार जाके देख ले। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। दोस्तों इंजीनियर्स के लिए मैं एक सबसे खास मौका लेके आया हूं जो कि है मॉन्स्टर की तरफ से। आप सबने कभी ना कभी नाम सुना होगा मॉन्स्टर ऐप का बारे में। ये क्या है, ये जैसे आपने Naukri.com सुना है, LinkedIn सुना है, ये भी एक ऐसा ही ऐप है जो कि आपका जो जॉब है वो बहुत जल्दी दिला सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनी लाइक टाटा, अडानी, डालमिया इनके साथ ये डायरेक्टली इन्हीं के वेबसाइट पे आके पोस्ट करती है। तो मैं इसका क्यों बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है कि ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, ना ही कोई। मैं आपको चाहता हूँ कि आप सबकी जॉब लग जाए क्योंकि आपकी जॉब लगेगी तभी आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे कि दुनिया को बताएंगे कि मेरी जॉब वहाँ से लगी। इसलिए मैं सबके लिए चाहता हूँ कि जॉब लग जाए। तो इस पर आके जरूर साइन अप कर लेना। मैंने एक जो इसका लिंक है डायरेक्टली वो मैंने आपको दे दिया है जहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। यहाँ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, साइन अप करना है, बस एक प्रोफाइल बनानी है, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड और ईडी पासवर्ड करके एक रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करके अपना रिज्यूम आप अटैच कर दीजिएगा। जो भी कंपनी के अंदर आपके रिलेटेड वैकेंसी निकलती है वो सबसे पहले आपको दिख जाएगी। तो इसमें जरूर से जरूर साइन अप कर लें। दोस्तों आज की जो हायरिंग है वो पावर प्लांट, मतलब तो पावर प्लांट की एक बहुत बड़ी कंपनी टोरेंट पावर के अंदर से आ रही है जहां जूनियर इंजीनियर्स और इंजीनियर्स को बहुत जल्दी हायर किया जाएगा, टेक्नीशियन, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है ऑल इंडिया वालों के लिए। दोस्तों अगर आपने जूनियर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल किसी भी ब्रांच से आपने कर रखा हो तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले इसी जो पूरा का पूरा चार्ट है जो कि इनके ऑफिशियल लिंक्डइन प्रोफाइल पे है, यहां इन्होंने बोला है BE इलेक्ट्रिकल एंड पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। दोस्तों ये है सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसके अलावा जो मैकेनिकल, सिविल और जो बैलेंस ब्रांचेस हैं वो आगे जाइए। दोस्तों ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी मैकेनिकल, MLV, ये सभी HRD, MBA, ये सारी एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस डायरेक्टली फ्रेशर मांगा गया है 0 to 12 years। अगर इसके बीच में देखिए, अगर आपने 2022 में पास आउट किया, 2021 में पास आउट किया, 2020 में पास आउट किया, 2019 में पास आउट किया, ऐसे कर करके 2014, 2013 में भी पास आउट किया, आप यहां एलिजिबल हैं। अब ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपना CV सेंड करना है। CV किसके साथ सेंड करना है, दोस्तों यहाँ ये जो है ये ह्यूमन रिसोर्सेज में ट्रेनीज के लिए वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इज इक्वल्स टू जूनियर इंजीनियर, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। तो ट्रेनीज के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, जूनियर एग्जीक्यूटिव AHS में भी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर में भी है।
दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली जो है आप इन दोनों मेल आईडी पे मेल करें। इसके साथ साथ इन्होंने दो और प्लेटफॉर्म दिए हैं, कौन से प्लेटफॉर्म दिए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, दोस्तों इसका डायरेक्टली लिंक कहां से अप्लाई करना है उसको भी बता देता हूं। दोस्तों इन्होंने बोला है कि आपको जो है 10th और 12th में फर्स्ट क्लास, देखिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपका जो है फर्स्ट क्लास होना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूंगी जिसकी 60% से कम है वो भी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करेंगे तभी तो रिप्लाई आएगा ना, तो एटलीस्ट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जो है इसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट जो है ग्रेजुएशन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास, दोस्तों अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा फर्स्ट क्लास से किया है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जो मैं आपको आगे टर्म एंड कंडीशन दिखाने जाऊंगा वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है। दोस्तों ऐसे ही अगर टर्म एंड कंडीशन में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आ रही है। इसमें दो मेल करने हैं हमें, क्यूर किशन जी को एंड धवल देसाई जी को। ये है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर जो है जैसे कि आपने उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन अकेडमी देखी है या फिर और भी बहुत सारी, जैसे यूपी RVNL है, यूपी में यूपी RVNL है, ऐसे ही राजस्थान में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी RVNL है और महाराष्ट्र में महाजैन को है। तो ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में एक ये टोरेंट पावर है जिसका नाम DNHDD पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से दमन एंड दीव में रजिस्टर्ड है। दोस्तों इस पे दो पे तो आपको मेल करने ही है, दूसरा कैसे आपको अप्लाई करना है उसका भी बता देता हूं। और इसको नॉर्मली मेल नहीं करना है, इसको आपको जो है कवर लेटर के साथ मेल करना है। तो आप जो है कवर लेटर के साथ ही मेल कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। कवर लेटर कहाँ मिलेगा? कवर लेटर मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से जल्दी जाइए और जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा तरीका बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसका अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ होगा उसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पोजिशन अप्लाई किस पोजिशन के लिए करना चाहते हैं, आप GET के लिए करना चाहते हैं टोरेंट पावर में, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा टोरेंट पावर के अंदर ही है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। GET के लिए करना चाहते हैं, DET के लिए करना चाहते हैं, TT मतलब टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हैं, तो आप जो है सबसे पहले कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी नेम है टोरेंट पावर में जाना चाहते हैं टोरेंट गैस में, तो सबसे पहले आपको टोरेंट पावर लिखना है। उसके बाद यूनिट कौन सी है, उसके बाद डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फ्रेशर है वो फ्रेशर GET के लिए डालें और डिप्लोमा वाले DET के लिए। इसके साथ साथ AGM या DGM के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले आपको जो है जैसे आपने GET सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फंक्शन आपको क्या कर लेना है, यूनिट आपको सबसे पहले कौन जोन सी यूनिट आपको अच्छी लगे, तो उसके बाद फंक्शन यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा। आप सिविल से ज्यादा, देखिए मैंने आपको बोला था सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर और भी ब्रांचेस जो है प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं टेक्निकल सर्विसेज में, तो यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। आप फ्रेशर है या आप एक्सपीरियंस है, इन्होंने सामने ही क्राइटेरिया दे दिया है, फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों ही इन्होंने मेंशन कर दिए। इसके साथ साथ अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप यहाँ फुल नेम जो भी आपका आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, नेटिव प्लेस, आप नेटिव प्लेस होता है कि आपने कहाँ बर्थ लिया है या फिर आप कहाँ रहने वाले हैं, इसके साथ साथ ईमेल आईडी, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर ये छोड़ दीजिएगा। आधार नंबर मैंडेटरी है क्योंकि उसी से आपका डाटा रिकॉर्डेड होता है, बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली। इसके बाद इन्होंने क्या है कि रिज्यूम फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिएगा। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इन्होंने जो है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के लिए यहाँ टिक मार्क दिया है जो कि आप इजीली देख सकते हैं और इसको इजीली आप अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि आपको दो जो मेल थी जिसपे क्यूर साहा और जो दूसरा था कि दर्शन सिंह जी, उनको जहां मेल करनी है कैसे मेल करनी है। उन दोनों मेल आईडी को कॉपी कर लीजिएगा, आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको बता देता हूं, अब चलना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां से आपको मिलेगा कवर लेटर। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या
काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहाँ जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।